पानीपत में यूं तो स्वतंत्रता दिवस पहले की तरह धूमधाम से मनाया जाएगा, पर पहली बार कोरोना काल का जश्न देखेंगे। इसमें अफसर होंगे, पुलिस होगी, पर झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। दर्शक भी बेहद कम हैं क्योंकि महामारी का साया है। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, पर देश में ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह होगा जहां अलग ही तरह का नजारा होगा। हर जगह तिरंगा फहरेगा, परेड भी होगी, वीआईपीज भी होंगे, पर दर्शकों की संख्या बेहद सीमित होगी, यानी कोरोना काल का स्वतंत्रता दिवस। बिल्कुल, दर्शक जो आना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, ऐसे नहीं है कि जिसको आना है, लेकिन पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो भी है वो कार्यक्रम किया जाएगा। साथ ही जो कोरोना योद्धा है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इस बार मुख्य अतिथि होंगे डिविजनल कमिश्नर करनाल विनीत गर्ग जी। मतलब और कुछ क्या, कुछ बहुत सारे प्रोग्राम जैसे होते हैं नहीं होंगे, वो कल्चरल एक्टिविटीज नहीं होंगी? जी, कल्चरल एक्टिविटी नहीं होगी, बस एक प्रोग्राम होगा जो कोरोना के बारे में जागृति फैलाएगा। 74वें स्वतंत्रता दिवस के लिए पानीपत का शिवाजी स्टेडियम भी तैयार हो रहा है, पर सादगी और सीमाओं में। धूमधाम से 15 अगस्त मनाया जाएगा, लेकिन इस बार जो है कम लोगों के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्यक्रम को मनाया जाएगा। जो फ्रीडम फाइटर्स है, स्वतंत्रता सेनानी है, उनको घर में ही जाके हमारे तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब ने काफी सम्मानित किया है। हर बार जहां कोई कैबिनेट मंत्री पानीपत जैसे औद्योगिक और ऐतिहासिक शहर में तिरंगा फहराने की चाह रखता था, इस बार करनाल डिवीजन के आयुक्त विनीत गर्ग झंडा फहराएंगे। इसे कोरोना की दहशत कहें या फिर ये आशंका कि किसी मंत्री के आने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों के मिलने की होड़ रहती है, इसलिए दोनों तरफ का खतरा टाला जाए। और हाँ, इस बार स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को अफसर उनके घर में जाकर ही सम्मानित करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। कोई भी महामारी या बला आ जाए, फिर भी झंडा ऊंचा रहेगा हमारा। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।